अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मोहम्मद दाऊद, आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स का टाइम तो चल रहा है और तमाम हजरात जो टैक्स फाइलर हैं अपने वकला के पास जाके अपनी रिटर्न्स फाइल करवाने का सारा प्रोसेस और प्रेपरेशन का सारा काम मुकम्मल कर रहे हैं, और जो भाई अपने रिटर्न को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं वो खुद ही रिटर्न को सबमिट करवा रहे हैं, फिल करके प्रॉपर डाटा फीड करके अपना पीछे सारे का सारा रिकॉर्ड चेक करके क्या चीज़ें सेल की हैं, क्या चीज़ें बाई की हैं, क्या हमने लोन लिया है, उसके अलावा हम लोगों ने गाड़ियों के मामले कैसे किए हैं, कोई बाइक बाई की है, कोई प्रॉपर्टी ली है, उसके अलावा हमारे इनकम के क्या मामलात हैं, सारी की सारी इनकम का हिस्सा बन रहा है वो रिटर्न जो फाइल की जा रही है उसमें आपको मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। अब यहाँ पे जो FBR में जो रिटर्न फाइल की जाती हैं वो सैलरी के हिसाब से हैं, उसके अलावा आपकी रेंटल इनकम आती है, आपके अदर सोर्सेज हैं, उसके अलावा आप बिज़नेस के मामला लेके चल रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास अगर कोई प्रॉफिट बैंक में फिक्स करवाया हुआ है उस पर टैक्स वगैरह चार्ज हो जाता है। मैं आज इनकम टैक्स की रिटर्न के चूँकि लास्ट क्लोजेस्ट टाइम चल रहा है, आज 22 तारीख हो गई, 22 सितंबर है, हमारे पास पीछे सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। 30 सितंबर 2024 गवर्नमेंट अनाउंस की है कि लास्ट डेट है। बताने का एक्चुअली मकसद सिर्फ ये है कि इन टाइम रिटर्न फाइल कर ली जाए, और जो जो पेंडिंग काम है हम नहीं चाहते कि इन केस अगर FBR डेट एक्सटेंड नहीं करती तो सारे के सारे भाई जो 1 अक्टूबर को जाके फाइल करेंगे वो कहीं लेट फाइलर वाली कैटेगरी में ना चले जाएं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन टाइम रिटर्न फाइल कर ली जाए, और किसी भाई को परेशानी के आने वाले वक्त में परेशानी ना हो सके। सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है इन टाइम फाइल कर ली जाए ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मेरे अपने क्लाइंट, थोड़ी सी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ, मेरे अपने क्लाइंट्स को भी यही प्रॉब्लम आ रही है जिन लोगों ने पूरी रिटर्न लेट फाइल की है। पिछले साल भी जो लेट फाइलर थे बट FBR ने उनको स्टिल लेट फाइल रखा हुआ है। 30 सितंबर 2023 की बात करें, जो जिन लोगों ने सितंबर के बाद रिटर्न फाइल की है, जो ऑफिशियल टाइम एक्सटेंड करने के बाद डेट एक्सटेंड हुई थी उसके बाद किस भाई ने फाइल किया है वो लेट फाइलर है। पोर्टल पे ये चीज़ अपडेट कर दी गई है कि वो लेट फाइलर कहलाएंगे। जब तक आपको पता है कि 1 मार्च एवरी ईयर, इस साल के मामले आ रहे हैं कि 1 मार्च 2025 आ जाएगी तो रिटर्न फाइल कर ली जाएगी, तो सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे जो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले अपनी 2024 की रिटर्न फाइल कर देते हैं। मैं आपको आपके साथ आज कोई थोड़े से बिजनेस के हवाले से चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कमीशन एजेंट के बिजनेस करने वाले हैं, उसके अलावा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, उसके अलावा हमारे होलसेलर भाई हैं, जितने लोग भी हैं रिटेल वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, इनके साथ साथ सारे मामलात हैं जो सप्लाइयों का बिजनेस करते हैं। अब सबकी कैटेगरी कैटेगराइज सबको कर दिया गया है, चाहे आप वो शूगर का बिजनेस करते हों, चाहे आप आयरन का बिजनेस करते हों, चाहे आप कोई कमीशन के तौर पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आते हैं, आप लोकल मार्केट में होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो सप्लाई का बिजनेस है जो इंडिविजुअल्स के लिए 5.5 के हवाले से सिलसिला FBR ने स्टार्ट किया हुआ है, सप्लाई पे दें और उसको अपने रिटर्न में फाइनल फिक्स एंड फाइनल में डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी के मामलात हैं, कंपनी खुद भी खड़ी है, उसका टैक्स डिडक्ट होता है सप्लाई पे तो 5% के हवाले से है। ये सप्लाइयों के मामलात हैं जो प्रॉपर बिजनेस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पता है अगर हम लोगों ने कहीं पैसे फिक्स करवाए हों, चाहे वो नेशनल सेविंग्स में हों, चाहे वो आपने बैंक में फिक्स करवाए हों, या कभी कोई इन्वेस्टमेंट एजेंसी में आपने करवाए हों, इदारों में करवाए हों, अब FBR ने उस पर 15% रेट फिक्स कर दिया हुआ है। इसके साथ साथ कहीं आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की हो उस पर भी FBR ने एक लमसम लिमिट रखी 15% की, उसमें दो लिमिट्स चल रही हैं, 15% भी है, 7.5% भी है। अब डिविडेंड, अब शेयर्स पर जो डिविडेंड आ रहा है वो भी आपने अपने रिटर्न में बाकायदा क्लेम करना है। इसके साथ साथ आपको पता चले आपको रेंट आता है किसी जगह से, आपको पता है FBR ने कैटेगराइज कर दिया है रेंट के हवाले से भी, 3 लाख से ऊपर मिनिमम रेंट होगा तो डिफरेंट स्लैब्स के तौर पे आ जाता है। इसी तरह बिजनेस की कैटेगरी भी है, वो 6 लाख की लिमिट फिक्स कर दी गई है। 6 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होती है तो आप उसको उसकी भी क्या कहते हैं उन्होंने डिफरेंट स्लैब्स दे दी हैं देखने के लिए। इसी तरह बिजनेस क्लास भी है और अदर सोर्सेज, आपको कोई और सोर्स से बिजनेस में आपको इनकम आती हो, सारी की सारी आपकी वेल्थ इनकम का पार्ट बनता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा वेल्थ के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है अगर हम लोग वर्ल्ड रिटर्न ऑफ इनकम का नाम लें तो उसमें आपकी इनकम टैक्स का पार्ट भी आता है और वेल्थ का पार्ट भी आता है। इनकम को शामिल करना है और साथ साथ आपने अपने वेल्थ के पार्ट में भी क्या आपने एसेट बाय की हैं, क्या एसेट आपने सेल की हैं, आपकी सारी की सारी डिटेल्स, इस साल में कोई ट्रांजेक्शन्स की हों, कोई परचेजिंग करते हैं, कोई सेलिंग करते हैं, कोई बैंकों में ट्रांजेक्शन्स कोई होती है, किसी को गिफ्ट मिलता है, कोई लोन ले लेता है, उसके अलावा कोई बंदा गाड़ी चेंज कर लेता है, इसकी सब की सब डिटेल्स
और इस पे जो टैक्स की रिडक्शन की जा रही है कंपनी काट लेती है, वो आप बाकायदा उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं इनकम टैक्स के पार्ट के अंदर। इसके साथ साथ आपने कोई बैंक से लोन लिया हो, या अपने फैमिली रिलेटिव से लोन लिया हो, या इसके साथ साथ आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई हो, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की जानी है। बताने का मकसद ये है जो कि दिन करीब आ गए हैं, इसीलिए इन टाइम फाइल कर दी जाए। सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आप इजीली कर सकते हैं। अगर किसी को मुझसे हेल्प चाहिए तो मेरा कांटेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे, उसके अलावा हमारे पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपको मजीद वीडियोस के हवाले से कुछ चीज़ चाहिए होगी। शुक्रिया।